बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और आज हम अपना एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके बारे में आपको आज का जो लेक्चर होगा ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। तो टॉपिक हमारा होगा सीएसएस का नया सब्जेक्ट, जो कि अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग। ये 200 मार्क्स का सब्जेक्ट होता है। पेपर वन में अकाउंटिंग यानी कि फिनेंशियल अकाउंटिंग और कास्ट अकाउंटिंग दो सब्जेक्ट होते हैं, दोनों 50-50 मार्क्स के होते हैं। और इनके आपको इंट्रोडक्शन आज हमने देना है। तो फिनेंशियल अकाउंटिंग 50 मार्क्स, इसमें कौन कौन से टॉपिक हमने कवर करने हैं। जो पहला इसका जो सीरियल नंबर आप कह सकते हैं, अदरवाइज इसको डिस्ट्रीब्यूशन जो है ओवरऑल की गई है। तो नंबर वन जो हमारा पार्ट होगा, फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कंसेप्ट अजम्पशन एंड कन्वेंशंस, कि अकाउंटिंग के कन्वेंशंस क्या हैं, नॉर्मली प्रोसीजर्स क्या है, किस तरीके से ये कन्वे हुए प्रोसीजर्स वन स्टेप टू अदर। तो और करंट पोजीशन पे जो हम मौजूद हैं, तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो हैं वो किस तरीके से अप्लाई हुए, और बाकी हम अकाउंटिंग के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में, जो बेसिक लेवल की जो चीज़ें उन पर बात करेंगे। कंसेप्ट जो है, बेसिकली जब आप अकाउंटिंग की बात कर रहे होते हैं तो उसमें क्या क्या कंसेप्ट होते हैं, जिनका जानना आपके लिए इस सब्जेक्ट के लिए बहुत ज़रूरी है जब आप आगे लेके चलते हैं। इसके अलावा कुछ हम अज्यूम करते हैं, तो उन अजम्पशंस को और कन्वेंशंस को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होता है अकाउंटिंग के लिए। नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, इसमें एक्रुअल कंसेप्ट वैसे बेसिकली तो हम डिटेल में आगे चल के सारे के सारे पढ़ेंगे। एक्रुअल बेसिस और जो एक्चुअल बेसिस होता है, यानी कि एक्रू जो ही चीज़ एक्रू होती है तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं तो वो एक्रू होती है, अदरवाइज जो रियलाइज होती है यानी कि जो कैश आप देंगे तो उसको रिकॉर्ड करना है, अदरवाइज नहीं करना तो उसको एक्चुअल होता है। इसके अलावा कंसिस्टेंसी, प्रेजेंटेशन एंड कंपेरेबिलिटी, ट्रू एंड फेयर व्यू, न्यूट्रलिटी, मटेरियलिटी, प्रूडेंस, ये सारे के सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं। कंप्लीटनेस, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड यूजफुलनेस, गोइंग कंसर्न एंड सब्सटेंस ओवर फॉर्म। इसके अलावा सेकंड जो पार्ट होगा हमारा फिनेंशियल अकाउंटिंग का, ये है अकाउंटिंग साइकिल प्रोसेस एंड फिनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें ट्रांजैक्शन और इवेंट्स, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टिंग एंट्रीज, और इसके अलावा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, वर्कशीट, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फिनेंशियल पोजीशन जिसको बैलेंस शीट कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, किस तरीके से हमारे पास कैश फ्लो थ्री हेड से हो रहा होता है, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग से, और एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड इन अकॉर्डेंस विद द फिनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एज स्पेसिफाइड बाय द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ISB ने जिस तरीके से गाइड किया होता है उस तरीके से इनको प्रिपेयर करना। ये हमें गाइडेंस मिल जाती है इंटरनेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, एंड बाय सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान थ्रू कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 एंड क्लोजिंग रिवर्सिंग एंट्रीज। तो थर्ड जो हमारा पार्ट होगा इसमें वो है एट्रीब्यूट्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जिसमें एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ वेरियस यूजर्स, स्टेक होल्डर्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि हर एक यूज़र की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन होता है वो फिनेंशियल मैनेजमेंट जो होती है, या अकाउंटिंग जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट के लिए होती है, जबकि फिनेंशियल रिपोर्टिंग या फिनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है उसमें जितनी हम इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कर रहे होते हैं वो आउटर कस्टमर जो होता है, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं कंपनी के, यानी कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं, बाकी जो जिनके स्टेक होते हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या शेयर होल्डर जो मेन स्टेक होल्डर्स होते हैं कंपनी के, वो सारे के सारे उनको फोकस करते हैं। फिनेंशियल अकाउंटिंग की जो स्टेटमेंट्स होती हैं जो हमारे पास मुख्तलिफ होती हैं, जिनका हमने ऊपर जिक्र भी किया है, तो उनकी रिक्वायर्ड होती हैं और वो उसको रिलाय करते हैं और उसी के बेस पे डिसीजन टेकिंग करते हैं। फिनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स, स्टेक होल्डर्स, क्रेडिटर्स, ये एक्सटर्नल है यानी कि जो इन्वेस्ट करते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, सप्लायर्स, लैंडर, फाइनेंशियर्स होते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, और इंटरनल इन्वेस्टर कौन से होते हैं, सॉरी जो स्टेक होल्डर्स होते हैं कंपनी के, वो होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पार्टनर्स, मैनेजर्स, एम्प्लॉइज एंड स्टेक होल्डर। और चौथे पार्ट पे अगर हम बात करें तो वो है अकाउंटिंग फॉर कॉमन लीगल फॉर्म्स ऑफ ए बिजनेस, जिसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ
सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, जॉइंट स्टॉक कंपनीज है इंक्लूडिंग बैंकिंग कंपनीज, इनके सारे रूल्स भी पढ़ेंगे, इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह कैसे बनती है वो भी बताएंगे। इसके अलावा पाँचवें नंबर पे जो हमारा पार्ट है इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, उसमें अकाउंटिंग फॉर एसोसिएट्स नॉट प्रॉफिट एंड फॉर पब्लिक, यानी कि नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनती है वो इस पार्ट में हम सीखेंगे। इसमें फर्दर जो टॉपिक्स हमारे सब टॉपिक्स होंगे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एसोसिएशंस नॉट फॉर प्रॉफिट एंड ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटिटीज एज पर स्टैंडर्डाइज्ड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइडेड बाई इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी कि इनके लिए जो अप्लाई होते हैं पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उनको IPSAC कहते हैं, IPSAS मोड एंड प्रैक्टिसेस बीइंग फॉलोड इन द कंट्री। जो छठे नंबर पे हमारा पार्ट होगा इसमें अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट टेंजिबल एसेट्स, यानी कि टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स कौन से होते हैं जो कि परमानेंट नेचर के होते हैं, और टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, जिनको जिनकी फिजिकल वजूद होता है, एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। फंडामेंटल कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स कंसर्निंग नॉन करंट एसेट्स, जिसमें कास्ट उनकी, डेप्रिसिएशन अमाउंट, डेप्रिसिएशन, फिर वैल्यू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, रेजिड्यूअल वैल्यू कैसे उनके निकालते हैं, और यूजफुल लाइफ पे कैसे उनके डेप्रिसिएशन वगैरह हमने अप्लाई करनी होती है, डेप्रिसिएशन के मुख्तलिफ मेथड्स क्या हैं एंड द एप्लीकेशन, जो डेप्रिसिएशन के मेथड्स हैं उनको अप्लाई हमने कैसे करना होता है। इसके अलावा स्ट्रेट लाइन ये डेप्रिसिएशन का मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड बेसिक नो हाउ ऑफ अदर मेथड्स टेक्निक्स बीइंग कॉमनली यूज्ड बाय द इंडस्ट्री, के डेप्रिसिएशन के जो मुख्तलिफ मेथड्स यूज़ किए गए होते हैं उनको हमने इसमें पढ़ना होगा। तो सातवें नंबर पे हमारा जो पार्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का और लास्ट इसका हिस्सा है, जिसमें हमने फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस हमने करना होता है, इंक्लूडिंग बोथ हॉरिजेंटल मेजरिंग चेंजेस एंड वर्टिकल, यानी कि जो रेशियोज़ होती हैं, रेशियो एनालिसिस हमने इसमें करना है, इंक्लूडिंग लिक्विडिटी रेशियोज़ होती हैं, एक्टिविटी रेशियोज़ होती हैं, डेट रेशियोज़ हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और मार्केट रेशियो, टेक्निकल एंड इंडस्ट्री एनालिसिस। तो ये मुख्तलिफ इतना कुछ ज़्यादा सिलेबस है भी नहीं, और जब आप टेक्निकली उसको कंसेप्चुअल तरीके से नहीं पढ़ते तो ये प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं, तो हमने करना है कंसेप्चुअल इनकी तैयारी इंशाल्लाह। तो इसके बाद आता है हमारा जो सेकेंड इसका हिस्सा है वो है कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो इसमें आप फर्दर जो है हमारा आठवां पार्ट होगा इस पेपर का, जिसमें फंडामेंटल कास्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट, यानी कि कास्ट अकाउंटिंग किस पे बेस कर रही है उसके पिलर्स, उनके बेसिस हमने पढ़नी होंगी, जिसमें नेचर एंड स्कोप ऑफ कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, कास्ट कंसेप्ट हैं, एलिमेंट्स ऑफ एंड क्लासिफिकेशन अंडरलाइन डिफरेंसेस अमंग फाइनेंशियल कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जितनी मुख्तलिफ हमारे पास, यानी कि फाइनेंशियल कास्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग इनमें फ़र्क क्या होता है, तो ये क्यों अप्लाई होती हैं, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। नौवें नंबर पे जो हमारा पार्ट है इस पेपर का, अकाउंटिंग फॉर मटेरियल लेबर एंड FOH इंपॉर्टेंट है, जिसने भी कास्ट अकाउंटिंग अगर बैचलर लेवल पे या पढ़ी है BBA MBA में तो वो जानते हैं मटेरियल लेबर FOH तो बेसिक चीज़ें हैं जिनको हमने अंडरस्टैंड करके कास्ट अकाउंटिंग में आगे चलना होता है। इसमें रिकग्निशन एंड वैल्यूएशन प्रिंसिपल फॉर मटेरियल इन्वेंट्री, ये मटेरियल के रेलिवेंट है, एंड मेथड ऑफ कंट्रोल मटेरियल इन्वेंट्री, कैलकुलेशन मेजरमेंट एंड अकाउंटिंग फॉर पेरोल, ये लेबर के रेलिवेंट होगा, फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लेबर, टाइम रेट एंड पीस रेट सिस्टम्स कॉमनली यूज्ड, ग्रुप इंसेंटिव स्कीम। इसके अलावा फैक्ट्री एड के जो टॉपिक्स आएंगे, फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट एंड FOH रेट, डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ FOH कास्ट, देयर एलोकेशन, अपॉइंटमेंट सॉरी अपोर्शनमेंट एंड री अपोर्शनमेंट, प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, जो ओवरऑल खर्चा होता है उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से होता है मुख्तलिफ ब्रांचेज में, यानी कि सबसे पहले आपने अप्रोप्रिएट करना होता है, और जिन जो सर्विस सेक्टर्स होते हैं उनकी कास्ट को हम दोबारा री अप्रोप्रिएट करते हैं प्रोडक्शन हेड्स को, तो प्रोडक्शन यूनिट्स को, प्राइमरी और सेकेंडरी, इसमें सारे मेथड्स आते हैं फॉर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग बोथ रिपीटेड अपोर्शनमेंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड अल्जेब्रिक मेथड, तो ये सारे मेथड हम उसमें जो है वो कवर करेंगे। इसमें कास्टिंग फॉर स्पेसिफिक, और यहाँ से लाजमी क्वेश्चन आता है, ये जो पार्ट है हमारे पास इसमें क्वेश्चन लाजमी आता है। और दसवें नंबर पर हमारा जो पार्ट होगा वो है कास्टिंग फॉर स्पेसिफिक जॉब्स एंड प्रोसेस कास्टिंग, प्रोसेस कास्टिंग ओवर आर CPR भी इसको कहते हैं,
ये इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है सीएसएस में भी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, तो यहाँ से लाजमी क्वेश्चन आता है। ये प्रैक्टिस के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है और टेक्निकलिटी यहाँ पे काफ़ी सारी इस टॉपिक में होती हैं। तो देखने में ये छोटा सा है, लेकिन यहाँ पे जब हमारा काफ़ी टाइम स्पेंड होगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन जो है हम नॉर्मली मैटजूदरे की बुक ही यूज़ करेंगे, जो स्टैंडर्डाइज बुक है और अच्छी बुक है, जिनमें जो भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हैं वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। और आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए जाएंगे कास्ट अकाउंटिंग के रेलिवेंट, तो सीपीआर को दोबारा आपको करने की ज़रूरत नहीं होगी जब आप मैटजूदरे से कर लेते हैं। नेचर ऑफ ए स्पेसिफिक जॉब एंड जॉब ऑर्डर कास्टिंग प्रोसेस फ्लो एंड प्रोसेस कास्टिंग बाई दी यूज़ ऑफ कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, सीपीआर रिपोर्ट हमने बनानी होती है, तो वो भी हमने सीखनी है इसमें। 11वें नंबर पे हमारा जो हिस्सा आएगा वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग फॉर प्लानिंग डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, इसमें बजटिंग एंड इट्स यूज, यानी कि बजटिंग हमारा एक पूरा टॉपिक होगा। मेजरिंग एंड नेचर ऑफ बजट, बजट की हमने कैश बजट कैसे, ओवरऑल प्रोडक्शन बजट कैसे, सेल्स बजट कैसे, परचेज बजट कैसे बनाना होता है, तो ये सारी की सारी हमने इसमें कवर करें। मेजर फॉर्म्स ऑफ ए बजट इंक्लूडिंग प्रोडक्शन, सेल बजट, कैश बजट, फ्लेक्सिबल बजट, जीरो बेस्ड बजट एंड मास्टर बजट, तो ये सारी की सारी टाइप्स। मास्टर बजट में सारे के सारे आ जाते हैं, यानी कि ओवरऑल आपको कितनी रिक्वायरमेंट है किसी चीज़ की, जब प्रोड्यूस करेंगे तो सेल करेंगे, इसमें सारे छोटे छोटे आपको हेड कवर हो जाते हैं। इसके अलावा ब्रेक इवन एनालिसिस एडवांस लेवल का अकाउंटिंग का एक टॉपिक है, जिन्होंने नॉर्मली बैचलर किया होता है 2 ईयर, तो उन्होंने ब्रेक इवन एनालिसिस नहीं किया होता, तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल अब्जॉर्प्शन कास्टिंग टेक्निक्स, कंसेप्ट ऑफ रेलिवेंट कास्ट एप्लीकेशन एंड यूज ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन एंड अदर कंसेप्ट फॉर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, तो ये सारे के सारे दूसरा मार्जिन ब्रेक इवन एनालिसिस में हमने करना होगा। इसको CVP भी कहते हैं, कास्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, CVPA। तो ये ओवरऑल टॉपिक का जो हमारा ये बहुत एडवांस लेवल का भी है, और ये काफ़ी जो है यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, और इतना अगर आपको टेक्निक आती है तो बहुत शॉर्ट टाइम में आप कवर कर सकते हैं, इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। वेरियस एनालिसिस ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर मटेरियल लेबर ओवरहेड पे आपकी कमांड हो जाए तो वेरिएंस एनालिसिस इतना टॉपिक मुश्किल फिर नहीं रह जाता। मीनिंग एंड यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड वेरिएंसेस, मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएंसेस इंक्लूडिंग मटेरियल लेबर एंड FOH वेरिएंसेस एंड देयर कंप्यूटेशन, तो हमने ये वेरिएंस एनालिसिस की मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं उसको हम कवर करेंगे, और हमने देखना है कि मटेरियल की परचेज में वेरिएंस कब आ रहा है, उसके यूजेज में वेरिएंस कब आ रहा है, लेबर की कॉस्ट में कैसे वेरिएंस आ रहा है। इसके अलावा FOH की हम बात करें तो उसके वेरिएंसेस की भी आगे 3-4 टाइप्स होंगी, 1 लेवल, 2 लेवल और 1, 2 मेथड और 3 मेथड जो है वो सारे हम कवर करेंगे। तो ये है ओवरऑल इंट्रोडक्शन हमारा पेपर 1 का। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको पेपर 2 के बारे में डिटेल से बताऊंगा कि हमने इसमें कैसे कौन कौन से टॉपिक होंगे और कैसे कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।